नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पिंग कमांड का प्रयोग नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में किस तरह से कर सकते हैं ये देखेंगे। पिंग कमांड का बेसिक यूज किसी भी नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर या डोमेन की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए करते हैं। ये कमांड मोस्टली कमांड प्रॉम्प्ट से रन होती है और ये विंडोज में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। सारे विंडोज के वर्जन में, विंडोज XP हो, विंडोज 7 हो, विंडोज 8 और 10, सब में पिंग कमांड अवेलेबल है। पिंग कमांड को करना है तो आपको उस कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और वहां से जाके आप पिंग कमांड यूज कर सकते हैं। पिंग कमांड वर्क कैसे करता है? पिंग कमांड बेसिकली ICMP इको रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है। किसको? डेस्टिनेशन कंप्यूटर, या जिसको हम डेस्टिनेशन कंप्यूटर कह रहे हैं, वो IP एड्रेस भी हो सकता है, कोई डोमेन नेम भी हो सकता है। और उस इको रिक्वेस्ट के बेस पे जो हमें रेस्पॉन्स वापस मिलता है, उससे दो प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर इको मैसेज सक्सेसफुली पहुंच गया है तो वो ये बताएगा कि कितना समय लगा उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। अगर सक्सेसफुली नहीं पहुंचा तो ये उसके रिलेटेड कोई एरर रेस्पॉन्स या कोई कोड शो करेगा। तो इस प्रकार से पिंग कमांड को यूज करके आप कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। पिंग कमांड में जो सिंटेक्स यूज करते हैं वो सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। पिंग स्पेस, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस लिखा हुआ आ रहा है ये कंपलसरी नहीं होते, आप एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। अगेन स्पेस, टारगेट, टारगेट में या तो IP एड्रेस होगा या डोमेन का नाम होगा। लास्ट में फिर ये स्लैश क्वेश्चन मार्क, ये भी ऑप्शनल चीज है। अगर आपको किसी कमांड के सारे ऑप्शंस के बारे में पता करना है तो आप स्लैश क्वेश्चन मार्क लगा के एंटर कीजिए, आपको उस कमांड या ऑप्शन से रिलेटेड सारी चीजें जिस हेल्प में डिस्प्ले हो जाएंगे। पिंग कमांड के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिस्टेड हैं, हर ऑप्शंस का अलग यूज है जो हम वन बाय वन बताएंगे। कुछ ऑप्शन सिर्फ IP वर्जन 4 में काम करते हैं, कुछ ऑप्शन सिर्फ IP वर्जन 6 के लिए हैं और कुछ ऑप्शन कॉमन है। यहाँ पे हम कॉमन ऑप्शन की बात करेंगे क्योंकि IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 वाले ऑप्शन मोस्टली काम में नहीं लिए जाते। अगर हम पिंग कमांड को बिना किसी ऑप्शन के यूज करते हैं तो उसका रेस्पॉन्स क्या होता है? मान लीजिए मैंने कमांड दी ping google.com, इसको हम देखते हैं तो क्या रेस्पॉन्स आएगा। ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि ping google.com जब आपने किया तो google.com का एक IP एड्रेस 172.217.31.206 ये भी पिंग कमांड ने रिटर्न किया है। यहाँ पे पिंग स्टेटिक्स दे रखे हैं नीचे। जब भी पिंग कमांड को बिना किसी ऑप्शन के करते हैं तो पिंग कमांड बाय डिफॉल्ट एक 32 बाइट का पैकेट, डाटा पैकेट भेजता है इको मैसेज के रूप फॉर्म में, और वो मैसेज 4 बार भेजता है बाय डिफॉल्ट। और उसका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। पिंग स्टेटिक्स में आपने 4 पैकेट्स भेजे, 4 रिसीव हुए, लॉस्ट 0 है। अप्रोक्सीमेट जो राउंड ट्रिप टाइम है मिली सेकेंड में वो दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी स्पेशल स्विच के या ऑप्शन के पिंग कमांड से आपको मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपने देखा कि पिंग कमांड ने 4 रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन मान के चलिए कि आप उसको ज्यादा रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो ऑप्शन यूज करते हैं -n स्पेस, और उसके बाद जितने बार आपको इको मैसेज भेजना है, इको रिक्वेस्ट भेजना है, वो आप टाइप करेंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया ping -n7google.com, इट मींस हम चाहते हैं कि पिंग कमांड 7 डाटा पैकेट्स भेजे, 4 नहीं। ये देखिए, अब पिंग कमांड 7 बार डाटा पैकेट भेजेगा और उसके स्टेटिक्स आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहे। तो -n count ऑप्शन का यूज इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं -t। पिंग कमांड बाय डिफॉल्ट डाटा पैकेट 4 टाइम ही भेजता है, लेकिन अगर हम उसको नेटवर्क को कंटिन्यूस मॉनिटर करना चाहते हैं तो हम जो ऑप्शन यूज करते हैं -t, और इस ऑप्शन को यूज करने के बाद पिंग कमांड तब तक डाटा पैकेट भेजेगा
जब तक आप उसको कंट्रोल सी प्रेस करके स्टॉप न कर दें। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे मैं एक कमांड देता हूं ping-t google.com। यहां पे जो आप google.com टाइप कर रहे हैं, यहां पे आप कोई आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें पिंग कमांड कंटिन्यूअसली भेज रहा है, और ये मैंने जब कंट्रोल सी प्रेस किया, ये आप देखिए यहां पे नीचे दिखा दे रहा है कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद पिंग कमांड ने पैकेट भेजना बंद कर दिया। तो जब आपको कंटिन्यूअस मॉनिटर करना है, तब उस समय पे डैश टी कमांड यूज में लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डैश ए। अगर मान के चलिए कि आपने एक आईपी एड्रेस को पिंग किया, तो पिंग कमांड ये कोशिश करता है कि उस आईपी एड्रेस का होस्ट नेम आपको रिजल्ट में दिखाए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि प्रीवियस एग्जांपल में जब हमने google.com पिंग किया था, तो वहां पर आपको google.com का आईपी भी दिखाई दे रहा था। अब हम उल्टा करेंगे, अब हम सिर्फ आईपी पिंग करेंगे और देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है। ping-a, ये जो आईपी एड्रेस है 172.217.31.206, ये google.com का आईपी एड्रेस था। अब ये देखिए, इस आईपी एड्रेस के आगे MAA032SN, ये जो एक डोमेन नेम से दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली एक होस्ट नेम है जो आपने आईपी पिंग किया है उसका। तो अगर आपको आईपी एड्रेस से होस्ट नेम निकालना है, तो पिंग कमांड उसको रिजॉल्व करके आपको दिखाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डैश एल साइज। इस ऑप्शन का यूज करते हैं जब हमको डाटा पैकेट्स बड़े साइज का भेजना है। बाय डिफॉल्ट पिंग कमांड 32 बाइट्स का डाटा पैकेट भेजता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं 1024 बाइट का जाए, तो हम ये चीज यहां से सेट कर सकते हैं डैश एल ऑप्शन से। एक एग्जांपल चेक करते हैं। ping-l1024, इसके थ्रू हम google.com को पिंग करेंगे विद ए पैकेट साइज ऑफ 1024 bytes। इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है, कई बार कुछ डिवाइसेस थ्रेशोल्ड पर कार्य कर रही होती हैं, और जब आप नॉर्मली 32 बाइट का पैकेट भेजते हैं तो कनेक्टिविटी बराबर दिखाई देती है, लेकिन जब एक्चुअल डाटा भेजते हैं जो कि 32 बाइट से ज्यादा होता है, तो नेटवर्क ब्रेक होने लगता है। ऐसी कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए आप बड़े जब डाटा पैकेट भेज के चेक करना है नेटवर्क को, तब आप इस तरह के ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैश डब्ल्यू टाइम आउट। जनरली 4000 मिलीसेकंड मींस 4 सेकंड के अंदर जो आपने पिंग कमांड 4 सेकंड तक वेट करता है रेस्पॉन्स को रिसीव करने के लिए, और उसके बाद वो रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज देता है। अगर मैं ये ऑप्शन या 4 सेकंड से बढ़ा के मान के चलिए 6 सेकंड या 10 सेकंड तक वेट करना चाहता हूं, तो डैश डब्ल्यू ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से वो देखें, ping-w(6000) मींस 6 सेकंड। अब इस जो कमांड के अंदर आप जब पिंग करेंगे, तो ये 6 सेकंड तक वेट करेगा। अगर 6 सेकंड से कम टाइम लग रहा है तो रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं आएगा, 6 सेकंड से ज्यादा होगा तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा। नेक्स्ट इज डैश पी। ये बहुत ही रेयर में यूज किए जाते हैं ये कमांड डैश पी, हाइपर वी टर्मिनल। हम कॉमनली यूज ऑप्शंस के बारे में सीखा। अब हम एक छोटा सा काम देख चेक करते हैं। आपने भी कंप्यूटर अपने नेटवर्क में लगा रखा है, और मान लीजिए उसमें कनेक्टिविटी या इंटरनेट नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले जो चीज हमें चेक करनी है वो है अपना नेटवर्क कार्ड, कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप नेटवर्क कार्ड को पिंग के द्वारा चेक करें। हर नेटवर्क कार्ड का एक लूपबैक एड्रेस होता है 127.0.0.1। तो आप जब इसको आप पिंग करेंगे, और अगर आपका नेटवर्क कार्ड ओके है, तो आपको रेस्पॉन्स मिलीसेकंड्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कोई एरर कोड या रेस्पॉन्स स्क्रीन पर शो करेगा।
तो इसको हम चेक करते हैं, पिंग 127.0.0.1, ये देखिए इसमें हमें प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल रहा है, इट मींस आपका नेटवर्क कार्ड ओके है। अगर यहाँ पे नहीं ये मिल रहा है तो आपको कुछ एरर कोड्स मिलेंगे, तो आप उन एरर कोड्स को कैसे पढ़ेंगे? अगर आपको पिंग कमांड के बाद लिख के आ रहा है TTL एक्सपायर्ड इन ट्रांजिट, TTL वैल्यू ये चीज डिसाइड करती है कि कोई भी IP पैकेट किसी भी नेटवर्क में कितने समय तक लाइव रहेगा। अगर वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा तब भी वो मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा कि IP पैकेट नेटवर्क में लाइव हो, ये TTL वैल्यू से पता पड़ता है। अगर TTL एक्सपायर्ड इन ट्रांजिट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि IP पैकेट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट जो एरर कोड आता है कई बार, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, इसका मतलब ये है कि जिस होस्ट को IP एड्रेस को या डोमेन को आप पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या तो वो बंद है या फिर उस नेटवर्क तक वो पहुंच नहीं पा रहा डाटा पैकेट, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अपना लोकल और रिमोट रूट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपने राउटर एडमिनिस्ट्रेटर से बात करें और उसकी, अगर आप खुद कर सकते हैं तो लोकल रूट टेबल को चेक करें 1x1। रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट का मीन्स ये है कि हमारे को होस्ट से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। ये इस तरह से होता है कि मान लीजिए नेटवर्क में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कंजक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, या आपका राउटर के या कॉन्फ़िगरेशन में कोई एरर है, तो इस प्रकार की कंडीशंस में आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज मिलेगा। तो ऐसे केस में जो अभी हमने डैश डब्ल्यू ऑप्शन पर बात की थी, आप डैश डब्ल्यू से आप पिंग का टाइम बढ़ा दीजिए, पिंग का रेस्पॉन्स टाइम पर वेट करने के लिए डैश डब्ल्यू स्विच को यूज करके टाइम बढ़ाएं और फिर चेक करें, तो उसमें आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट के एक्चुअल रीजन पता पड़ जाएगा। अननोन होस्ट, कई बार ये एरर भी दिखाई देती है, इसके रीजन हो सकते हैं कि आईपी एड्रेस या होस्ट नेम नेटवर्क में है ही नहीं, या आपका जो डेस्टिनेशन होस्ट है उसका नाम रिजॉल्व करने में पिंग कमांड को प्रॉब्लम आ रही है। ये कब आएगी, जब आपका DNS सर्वर प्रॉपर वर्क न कर रहा हो या अवेलेबल ना हो, आपको DNS सर्वर की अवेलेबिलिटी और उसका नाम चेक करना पड़ेगा। तो हमने पिंग कमांड के सारे ऑप्शंस चेक किए, कैसे यूज करना है इसके स्क्रीनशॉट्स देखे, और अगर उसमें कोई एरर कोड आ रहा है तो उस कोड को कैसे हमको रीड करना है और क्या एक्शन लेना है ये सीखा। इसके अलावा कई बार ये होता है कि नेटवर्क की हमको स्पीड चेक करनी है या पिंग टाइम चेक करना है, तो कई तरह की ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप पिंग करके देख सकते हैं और ऑनलाइन स्पीड टेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसी एक स्क्रिप्ट हमने हमारी वेबसाइट www.itjunction.org पे भी डाली है। इसमें और दूसरी साइटों में बस ये डिफरेंस है कि दूसरे साइट्स पे जब आप जाते हैं तो बहुत सारे ऐड भरे होते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन हमारी ये साइट का जो स्क्रिप्ट है ये टोटली क्लीन है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज करें, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जाके itjunction.org पे क्लिक करते हैं, ये एक साइट है इसमें फ्री यूटिलिटीज के अंदर आते हैं, फ्री यूटिलिटीज फॉर विजिटर्स, इंटरनेट नेटवर्क स्पीड टेस्ट, यहाँ पे मैंने स्पीड टेस्ट पे क्लिक किया, ये एक बहुत ही सिंपल इंटरफेस दिया है स्टार्ट। इसके अंदर आप कई चीजें चेक कर पा रहे हैं, आपका लोकल आईपी एड्रेस क्या है, पिंग कमांड, डाउनलोड अपलोड स्पीड, तो ये आपके अगर आपके मोबाइल की स्पीड चेक करनी है, लैन की स्पीड चेक करनी है, इंटरनेट की स्पीड चेक करनी है, उसको चेक करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसको आप एक बार यूज करें देखें, और अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। देखिए डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, पिंग टाइम सब कैलकुलेट होके यहाँ पे शो हो रहा है। ओके टेस्ट डन, अभी इसको बंद कर देते हैं। अगले वीडियो में आईपी कॉन्फिग कमांड का यूज करना बताएंगे, ट्रेसूट कमांड का यूज क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम पिंग कमांड से बेसिक कनेक्टिविटी तो चेक कर लेते हैं, लेकिन किस रूट्स पे जा रहा है या कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उसके और डिटेल में जाने के लिए ट्रेस रूट कमांड को यूज करते हैं, और आईपी कॉन्फिग कमांड को यूज करते हैं अपने कंप्यूटर के आईपी कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करने के लिए। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब चीज पर डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल आईटी जंक्शन को आप सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक्स।